और गाइस क्या हाल है। गाइस मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं टेक्टोनिक्स और आज मैं लेके आ गया हूँ एक और अनबॉक्सिंग। यह है रियलमी 2। इसका कलर है ना गाइस वो मुझे इतना प्यारा लगा है ना, और इस कलर का नाम है डायमंड ब्लू। मुझे कलर इतना प्यारा लगा ना इसका कि मैंने इसे मंगवा लिया। अब मंगवाया ऐसे कि मैंने फ़ोन करा अपने भाई को, मैंने कहा भाई जो तूने नया फ़ोन लिया है मुझे दे दे अनबॉक्सिंग के लिए, मतलब पहले मैं ही अनबॉक्सिंग करूँगा फिर तू लेगा। तो ये मैं ले आया हूँ फ़ोन, बहुत ही मतलब मुझे कलर बहुत प्यारा लगा ये, इसलिए मैं ऐसे मंगाऊँ, नहीं तो मैं रियलमी 2 की अनबॉक्सिंग पहले कर चुका हूँ। इसमें दो चीज़ें डिफरेंट है, एक तो कलर डिफरेंट है पिछले वाले से और इसमें स्टोरेज भी डिफरेंट है। तो इसे कर लेते हैं अनबॉक्स कुछ इस तरह से। ये लो, सिंपल एंड वेरी इजी। इसे भी निकाल लेते हैं हम बाहर, इसको कर लेते हैं हम 2 मिनट के लिए साइड में। और ये रहा हमारे पास बॉक्स रियलमी 2 का, इसके पीछे कुछ डिटेल्स दे रखी हैं। ये कलर भी बहुत प्यारा है, मतलब सिर्फ कलर के वजह से मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आज। और ये कलर है गाइस डायमंड ब्लू। ये जो वर्जन है ये है 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला रियलमी 2। बहुत ही प्यारा कलर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगा। तो इसे कर लेते हैं सिंपली अनबॉक्स, जल्दी से इसे निकालता हूँ मैं कुछ इस तरह से। ये निकला है, इसे रखते हैं साइड में। सबसे ऊपर ये सेक्शन है, यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, इसके अंदर होना चाहिए एक केस फ़ोन के लिए। और ये रही कुछ यहाँ पर यूज़र मैनुअल, जो शायद किसी के काम आती होगी। ये एक क्विक स्टार्ट गाइड, ये शायद ही किसी के काम आती होगी। और ये रहा वारंटी से रिलेटेड सम पेपर वर्क, और इसे रखते हैं हम साइड में। उसके बाद देखते हैं इस केस को, ये भी एक सिंपल केस है, बढ़िया सा जो भी है। मुझे यही केस ज़्यादा पसंद आते हैं यार, मतलब फ़ोन की ब्यूटी और इस फ़ोन का जो कलर है ना उसके हिसाब से तो यही सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। इसको भी रखते हैं हम साइड में। और ये रहा हमारा मेन फ़ोन, इसको मैं निकाल लेता हूँ कुछ ऐसे। इस फ़ोन को निकालेंगे, 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं यार, सब्र कर लो मैं कलर दिखाऊंगा। उससे पहले मैं दिखाता हूँ, ये है चार्जर, एक नॉर्मल चार्जर है। इसकी रेटिंग होगी आउटपुट 5V 2A अगर आपको दिख रहा होगा। एक नॉर्मल चार्जर है, ये कोई फास्ट चार्जर नहीं है। इसे रख लेते हैं हम दोबारा से साइड में। यहाँ पर एक डेटा केबल है, इस डेटा केबल की क्वालिटी काफ़ी सही है यार, मतलब रियलमी 2 के चार्जर्स ना काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मुझे काफ़ी पसंद है। काफ़ी तेज़ भी चार्ज कर देते हैं फ़ोन को, और इस फ़ोन की जिस हिसाब से बैटरी बड़ी है ना उस हिसाब से इस टाइप का चार्जर चाहिए। डेटा केबल भी अच्छी है, क्वालिटी अच्छी लगी मुझे इसकी। माइक्रो USB पोर्ट के साथ आती है ये, टाइप सी नहीं मिलता है आपको, पर कोई बात नहीं यार, चार्ज ही तो करना है फ़ोन। ये तो हो गया बाकी बॉक्स कंटेंट, अब इसको रख लेते हैं साइड में। आ जाते हैं हम अपने मेन फ़ोन की तरफ, और एक कलर की एक झलक देख लो, मुझे बहुत ही प्यारा लगा यार। निकालते हैं इससे, और ये आ गया हमारे हाथ में रियलमी 2 डायमंड ब्लू कलर में। यार मतलब मज़ा आ रहा है यार इसे देख के बहुत ही ज़्यादा। और ये भी एक बार निकाल लेते हैं, इसकी ब्यूटी को थोड़ा सा बेकार कर रहा है। तो गाइस ये देखो यार, मतलब इतना प्यारा कलर है, मुझे बहुत ही पसंद आया। डायमंड कट के साथ ये जो ब्लू कलर है ना, मतलब इतने प्यारा लुक देता है ये। और अभी तो मैं रात को ये शूट कर रहा हूँ, इसलिए नेचुरली शायद सही से ना दिखे, पर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। दिन के टाइम बहुत प्यारा से चमकता है। इसके थंबनेल में देखा होगा आपने, वो दिन की ली हुई फ़ोटो है। और ये रहा सामने से फ़ोन, इसको कर लेते हैं एक बार जल्दी से बूट। जब तक ये बूट होता है मैं आपको इसका फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा बहुत। तो गाइस यहाँ पर अगर राइट साइड में देखें तो ये रहा पावर लॉक अनलॉक बटन। जाते हैं अगर हम ऊपर की तरफ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर पलट के देखते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पर तो है एक वॉल्यूम रॉकर, और उसके बगल में है सिम ट्रे। शायद हमें पता है, शायद क्या मुझे पता है, मैं रियलमी 2 अनबॉक्स कर चुका हूँ पहले भी। एक बार निकाल के देखते हैं सिम, और देखते हैं गाइस ये रहा यहाँ पे सिम ट्रे। आपको अलग से एक स्लॉट मिल जाता है अपने मेमोरी कार्ड के लिए। अगर आप लेना चाहो ना तो इस कलर में ज़रूर लेना, रियलमी 2 लोगे ना तो इस कलर में लेना, बहुत प्यारा कलर है। ये रहा इसका डिस्प्ले, जो क्या है तो 6.2 इंचेस के साथ IPS पैनल लेके। और यहाँ पर जो नॉच है काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में, और इस नॉच में छुपा है यहाँ पर एक कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का। उसके बगल में है ईयर पीस, और उसके बगल में है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। बाकी तो यहाँ सामने पे कुछ खास ऐसा है नहीं। और जाएं अगर हम फिर से एक बार इसका कलर देखो, यहाँ पर भी मुझे कुछ बताना है आपको, बड़ा अच्छा लग रहा है कलर, मतलब ग्लॉसी यार, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है लुक दे रहा है ये। और जो डायमंड कट है ना बहुत प्यारा लग रहा है ये। उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर है 2 कैमरे। यहाँ पर जो कैमरे हैं वो है 13+2 मेगापिक्सल का। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, और इस फिंगरप्रिंट सेंसर को मैंने यूज़ करा है, काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी तेज़ चलता है ये। और यहाँ पर ऊपर पे है एक LED फ्लैश, और मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अभी क्या इसमें चल रहा है।
तो गाइस ये भी एंड्रॉयड वर्जन 8.1 पे काम कर रहा है, कलर ओएस वर्जन है यहाँ पे 5.1, प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन 450 है, ये तो है ही रियलमी 2 में। रैम यहाँ पर 4 GB मिल जाती है, तो मैंने पुराना वाला अनबॉक्स करा था ना उसमें 3 GB रैम थी और इसमें 4 GB की रैम है। और इसके बाद में जो डिवाइस की जो स्टोरेज है वो 64 GB है, जिसमें से करीब 50 GB आपको फ्री मिलती है। अब चलते हैं फिंगरप्रिंट और फेस एनरोल करने के लिए। पहले कर लेते हैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेट, ऐड फिंगरप्रिंट, उससे पहले डाल लेते हैं पासकोड। और अभी यहाँ पर बोल रहा है कि अपनी उंगली लगाओ जहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, तो हम कर लेते हैं बिल्कुल वैसा जैसा ये कह रहा है। फिंगरप्रिंट सेट हो चुकी है गाइस, डन कर देते हैं। अब मैं इसे ट्राई करता हूँ कितना तेज खुलता है ये। ओ मैंने हाथ लगाया, मतलब इंस्टेंट अनलॉक है, जैसे ही मैं हाथ लगा रहा हूँ ये खुल जा रहा है। अभी ये बंद है ना, जैसे ही हाथ लगाऊंगा ये खुल जाएगा। एक ऐसा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको जहाँ से आपको दिख जाए। ये देखो गाइस काफ़ी तेज है, जैसे ही मैं टच कर रहा हूँ वैसे ये खुल जा रहा है। अब कर लेते हैं गाइस अपना फेस एनरोल इसमें, और मैं जल्दी से कर लेता हूँ यहाँ पर फेस एनरोल। फेस भी यहाँ पर गाइस हमारा एनरोल हो चुका है, और उसके बाद में देखते हैं कि कितना तेज है इसका फेस अनलॉक। ये मैंने करा अपनी तरफ और ये खुल रहा है, मतलब इंस्टेंट खुल रहा है। अभी ये देख रहा है कैमरे की तरफ, जैसे मैंने घुमाया अपनी तरफ ये खुल गया। अभी ये देख रहा है कैमरे की तरफ, घुमाया मैंने अपनी तरफ और ये खुल गया। काफ़ी तेज़ है ये भी, एक ऐसे में और एक पोर्ट्रेट मोड में। देखो भाई ये फ़ोटो ली थी हमने पोर्ट्रेट मोड में, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एज डिटेक्ट करी है इस फ़ोन ने। और ये वाली जो ली थी वो हमने बिना पोर्ट्रेट मोड के ली थी, ये भी काफ़ी अच्छी आ रही थी, डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं। बस वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार दोबारा से मैं इसका कलर आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप प्रेफर कर सकते हैं ये। और भाई अब कुछ दिनों में रियलमी 2 प्रो की भी अनबॉक्सिंग लाने वाला हूँ। मतलब मैंने सारे ही मैंने रियलमी के सारे ही फ़ोन अनबॉक्स करके देखे हैं, मतलब यूज़ करके देखे हैं। मुझे काफ़ी पसंद आ रही है यार ये ब्रांड। फ्यूचर में शायद जो भी फ़ोन से लेके आइए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अनबॉक्सिंग लेके आऊँ उस फ़ोन की। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।